नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। रीवा में काफी दिनों बाद क्रिकेट टूर्नामेंट की बातचीत चालू है। शायद कोरोना काल के बाद रीवा में होने वाला क्लब लेवल का एक पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा। महाराजा स्कूल इसको आयोजित करेगा। हमारे साथ महाराजा स्कूल के चेयरमैन देवेंद्र सिंह जी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे टूर्नामेंट में क्या कुछ है खास, टूर्नामेंट की क्या है रूपरेखा। ये महाराजा क्रिकेट गोल्ड कप प्रतियोगिता टेनिस बॉल की 10-10 ओवर की जो है होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में रीवा शहर के 45 वार्डों की वार्ड स्तरीय टीम जो है इसमें भाग लेगी। और टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य है कि रीवा में स्टेडियम में टर्फ विकेट है, महाराजा पब्लिक स्कूल ग्राउंड में टर्फ विकेट है, लेकिन बीसीसीआई मैचों के कारण ज़्यादातर जो टेनिस बाल के अलावा जो लेदर बाल से क्रिकेट बाल से जो है तो मैच खेलते हैं, मैच खेलने को बच्चों को मिलता नहीं है। तो मैं बीच में आपको रोकूंगा। एक बड़ा सवाल, जैसा कि अभी आपने खुद बताया कि आपने अपने स्कूल में टर्फ बनवा रखी है। टर्फ होने के बाद रीवा में दो टर्फ है। एक दौर वो भी था जब रीवा में टर्फ लोगों ने देखी नहीं थी। वो शायद दौर मेरा था, मैं भी कभी खेला करता था। लेकिन जब आपने टर्फ बनवा ही ली है तो टेनिस बॉल क्यों? टेनिस बॉल क्योंकि जो गली क्रिकेट है, जो गली की प्रतिभाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं शुरुआत टेनिस बॉल से ही करते हैं। मेरा बेटा भी क्रिकेटर रहा है, 11-12 साल की उम्र तक जो है टेनिस बॉल से गली में खेलता था, उसके बाद क्रिकेट खेलेंगे। तो मैंने उसको बॉम्बे में शारदा आश्रम में सचिन तेंदुलकर की जिस स्कूल में स्कूलिंग हुई उसमें उसको पढ़ाया और आचरेकर जी के कोचिंग में भेजा। वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े खिलाड़ी जो टेनिस बॉल और गली क्रिकेट के बादशाह कहे जाते हैं, वो टेनिस बॉल से ही शुरुआत करते हैं। मेरा उद्देश्य वही है कि टेनिस बॉल में छुपी हुई प्रतिभा, जो लेदर बॉल से खेलते हैं उनको तो स्टेडियम में कोचिंग मिल जाती है और प्रतिभावान खिलाड़ी नज़र में आ जाते हैं, उसको अपन शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाले प्रतिभाएं नज़र में नहीं आ पाती हैं, तो उनको मौका और अवसर प्रदान करने के लिए अपन इसका आयोजन करते हैं। इनाम की राशि आपने रखी है, कितनी टीमें हैं? इनाम देखिए, खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा इनाम होता है उनका मतलब दर्शकों की तालियां और प्रोत्साहन। इनाम टोकन के रूप में दिया जा रहा है। जो इनाम राशि है 33,333 रुपए प्रथम पुरस्कार, 22,222 रुपए 33,000 रुपए की इनामी राशि है टेनिस बॉल क्रिकेट की। पूरे रीवा शहर के वार्डों में बांटा गया है, 45 से ज़्यादा टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी। एक यहां पर ये बताइए, टूर्नामेंट जैसा आपने बताया 10 ओवर का मैच है, कहां पर होंगे और दिन में कितने मैच होंगे? 10 ओवर का मैच विश्वविद्यालय के टर्फ विकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और अपना प्रयास है कि नॉकआउट स्तर पे ये मैच होगा, जो टीम हारेगी वो बाहर चली जाएगी। और प्रयास ये होगा कि 4 मैच जो है अपन करा सकें, तो शुरू सुबह 9 बजे से शाम को 5-5:30 बजे तक 4 मैच का 10-10 ओवर का प्रयास किया जाएगा कि 4 मैच हो जाएं। 4 मैच होंगे, 5 तारीख से टूर्नामेंट होगा, भारी भरकम इनामी राशि है। पूरे रीवा शहर के लड़कों को क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्या इसमें कोई उम्र का बंधन? नहीं, कोई उम्र का बंधन नहीं है। मतलब खिलाड़ी जो अच्छा खिलाड़ी है, आप 40 उम्र के 42 उम्र तक फिट रहता है, 40-42 की उम्र तक फिट रहने वाला, और 15 से ऊपर उम्र है, 15, 16, 17, 18 जो भी उम्र का बच्चा है अच्छा खेलता है, खेलने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र दराज क्रिकेटर भी भाग ले सकते हैं, शौकिया क्रिकेटर भी भाग ले सकते हैं। खेलने वाले लड़कों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है महाराजा स्कूल की तरफ से।